नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ। एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे, और आपके सामने मैं सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में आज बात करने वाला हूँ। मेरा वीडियो बिल्कुल ही केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर, मैं ऑर्गेनिक की बिल्कुल भी बातें नहीं करूंगा। तो मैं आपको केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर मतलब होता क्या है, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर हम अपने प्लांट को क्यों दें, कैसे दें और किस वजह से दें। तो मेरे पास तो एक वैलिड रीजन है केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से। मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ, इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ कि आप केमिकल फर्टिलाइजर दिए, आप चाहें तो ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं। ऑर्गेनिक मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मेरे पे मौजूद है, बनाना पिल फर्टिलाइजर, मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर और बहुत भी सारे, काउडंग मैन्योर, गोबर की खाद, सब बहुत मेरे चैनल्स पे ऑर्गेनिक बहुत सारे मौजूद है। और ये केमिकल फर्टिलाइजर मेरा इस वजह से है क्योंकि मेरे एग्जाम, जैसे आपको पता है कि मैं स्टडीज़ करता हूँ, मैं BAMS कर रहा हूँ, तो BAMS के एग्जाम्स एक्चुअली मेरे 15 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक शायद खत्म हो जाए, 15 दिसंबर तक, आई एम नॉट कन्फर्म बट शायद खत्म हो जाए 15 दिसंबर तक। उसके बाद कुछ दो चार प्रैक्टिकल्स ही रहेंगी, तो उस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियोस नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा नवंबर में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं कर दूंगा। हाँ, मेरे पास उससे पहले ही मैंने दो चार वीडियो शूट करके रख लेता हूँ, जैसे दिन बाय डे मैं अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने गार्डन का लुक पूरा चेंज कर दिया है। इधर देखिए, एक बड़ा सा जो मिट्टी का हुआ करता था, अब मैंने वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पेड़ तैयार कर दिया है। ये देखिए कितना सुंदर सा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इधर भी बहुत सारे मेरे हो गए हैं। तो इन्हीं सब पौधों में लगभग मेरे पास लगभग 350-400 पौधे गमले हैं, और 450 पौधों के लिए मेरे बस की बात नहीं है ऑर्गेनिक बनाना, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है। चाहता तो मैं मस्टर्ड केक बना सकता था, विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आज मैं केमिकल ही बनाने वाला हूँ। चलिए केमिकल के ऊपर ही मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, ये पोटाश है, ये पोटास है, ये एप्सम सॉल्ट है, NPK, DAP। तो ये मैं सबका मिक्स फर्टिलाइजर बनाने वाला हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा अपने प्लांट्स में देने के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे क्या आप मेजरिंग करें। तो ये जो है DAP, मैं आप 400 गमलों का बता रहा हूँ। जैसे आपके पास 10 गमले हैं तो आप 1 स्पून यूज़ किया कीजिए, 2 गमले हैं तो 2-4 दाने यूज़ किया कीजिए। एक्चुअली गमले के साइज़ के ऊपर है, 12 इंच के गमले हैं तो उसमें 4-5 दाने आप DAP का डालिए, उससे ऊपर हैं तो 10 दाने डालिए, क्योंकि केमिकल है। अगर आप थोड़ा सा कम डालेंगे तो 15-20 दिन बाद फिर डालेंगे तो प्लांट आपका मेंटेन कर लेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक बार डाल देंगे तो प्लांट की सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी और प्लांट मर भी सकता है आपका। तो उस वजह से, उस कारणों से आपको बचने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, तो मैं सारी चीज़ों को इक्वल करके पहले मैं इसमें डाल देता हूँ। मैं इक्वल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है और ये कंसनट्रेट बना रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं डायल्यूट करूँगा। मतलब 1 लीटर को लेके मैं 10 लीटर पानी में मिलाऊंगा और मेरे पास 11 लीटर तैयार हो जाएगा। मतलब मैं 1 लीटर इसमें से लूँगा, ये मेरा फर्टिलाइजर, उसको मैं 10 लीटर में डिसॉल्व करूँगा। आप कभी भी कंसंट्रेट मत दीजिएगा इस, बिल्कुल भी कंसंट्रेट। आप केमिकल फर्टिलाइजर बना रहे थे तो कंसंट्रेट प्लांट में मत दीजिएगा, उसको डायल्यूट कर। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लीटर है तो 1 लीटर फर्टिलाइजर को आप 10 लीटर पानी में डाल दीजिए और सारे पौधों को दे दीजिए, सारे पौधों को अपना दे दीजिए। तो 10 पौधे हैं तो सारे पौधों को 1-1 लीटर दे दीजिए। वो अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं पौधे, तो आप उसको क्या कीजिए, आप आधा लीटर ही बनाइए, आधा लीटर फिर 15 दिन बाद उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल है, ख़राब तो होने वाले नहीं है। तो मैं आज आपके सामने इसी पानी में बनाने वाला हूँ। ये देखिए मेरा ये टब है, और टब में मैंने नॉर्मल फ्रेश वाटर लिया है, और फ्रेश वाटर के अंदर मैं ये सारी चीज़ों को मैं मिला के आपके साथ बताता हूँ। तो ये देखिए, ये DAP है जिसने मैंने इतना लिया है, तो इसको मैं ऐसे इस पानी में डाल दूंगा। अब DAP के बाद फिर मैं NPK लूंगा। ये देखिए मैंने NPK ले लिया है, NPK ये 90-90-90 है मेरे पास, इसलिए भी मैं पानी में यू डाल दूंगा। आप चाहे तो स्पून यूज़ कर सकते थे, बट मेरा स्पून अभी नीचे है तो मैं स्पून यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा स्पून लेने के लिए, तो मैं नहीं जाना चाहता। और इसमें मैं बनाऊंगा एप्सम सॉल्ट भी डालूंगा और थोड़ा सा ये पोटास भी डालूंगा। पोटास से फ्लावरिंग बड़े अच्छे होते हैं विंटर्स फ्लावर में, तो मेरे सारे प्लांट में काफ़ी करीबन बहुत दिनों से फर्टिलाइजर नहीं पड़ा है। ये मैं अब आपको बस बता रहा हूँ, फ्लावरिंग प्लांट पे डालूंगा, मैं वेजिटेबल्स पे यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने वाला हूँ वेजिटेबल प्लांट्स पे, क्योंकि वेजिटेबल मैं ऑर्गेनिक ही जाऊँगा। ऑर्गेनिक में कुछ तो कुछ लेके आऊँगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैं बनाना उसका कुछ बना लूँगा, इंस्टेंट बना के तुरंत दे दूंगा बनाना को, या फिर बनाना को सुखा के मिक्सी में ग्राइंड करके आप 2-2 चम्मच सारे गमलों में भी दे सकते हैं।
वो भी फर्टिलाइजर काफी अच्छा रहता है। देखिए पानी का कलर चेंज हो रहा है, इसको आप पूरी रात ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। पूरी रात छोड़ने के बाद नेक्स्ट डे, जैसे मान लीजिए ये 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर में मैं ऐसे 10-10 और लूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लीटर का कोई मग्गा है या फिर कोई भी कुछ भी है, 1 लीटर का कोई कंटेनर है, तो आप 1 लीटर को पानी को लेके उसको आप उसमें 10 मग्गे और ले, टोटल आपके पास 11 लीटर बन जाएंगे फर्टिलाइजर एक, और अपने प्लांट को दे दीजिए। और कंडीशंस प्लांट की क्या होनी चाहिए उसके लिए, तो सबसे पहले आपको कंडीशंस जो होनी चाहिए वो है कि अपने प्लांट्स को, जो भी आपके पास प्लांट्स हैं उनमें वाटरिंग आप थोड़ा सा एक दिन रोक दीजिए। आप रेगुलर वाटरिंग करते हैं तो एक दिन रोक दें, मिट्टी थोड़ी सी हार्ड, ऊपर वाली सरफेस थोड़ी सी हार्ड हो जानी चाहिए, उसमें प्लांट्स कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी भी फर्टिलाइजर को नहीं, तो अगर प्लांट में ऑलरेडी पानी होगा तो प्लांट्स को नुकसान करेगा क्योंकि प्लांट्स ये जड़ें नहीं लेंगी, तो इस वजह से भी एक कारण हो सकता है। और अगर आप अपने पानी का प्लांट्स की पानी 1-2 दिन रोक देंगे तो फिर उसके बाद तुरंत इनको पानी मिलेगा तो यही पानी एब्जॉर्ब करेंगी, नॉर्मल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो ये एक फ़ायदा है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए मेरे बहुत सारे गार्डन में मैं आपको करूंगा, ये जो ईंटे दिख रहे हैं आपको अभी गंदे से दिख रहे होंगे बट इसे मुझे पेंट करना है। अब देखिए एग्जाम बाद पेंट करता हूँ या दिवाली की छुट्टियों में पेंट करता हूँ क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना है फिलहाल आजकल, तो देखिए मैं पेंट कर पाता हूँ या फिर क्या कर पाता हूँ। वैसे आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे गार्डन का ये व्यू कैसा लगा। आज मैंने सब सफाई भी किया, यहाँ का जो मेन था वो उसको हटा दिया क्योंकि छत भी काफ़ी स्पेशियस सा लग रहा है। इसको हटाने के बाद छत भी बहुत स्पेशियस सा मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को लग रहा है नहीं लग पा रहा है उसको मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट मेरे जो अभी छत स्पेशियस लग रही है। बकेट में मैंने लगाया इतना बड़ा सा इसको ट्रांसप्लांट करने में मुझे बहुत दिक्कतें हुई, ये बस मुझे डर लग रहा था कहीं से टूट ना जाए, बट टूटा नहीं, काफ़ी सही हो गया ट्रांसप्लांट। इधर भी इधर मॉर्निंग ग्लोरीज भी बहुत सुंदर से खेल रही है। इसको सेंटर में ही मुझे लगाना था क्योंकि इस पर मुझे लाइटनिंग वाइटनिंग करना है प्रॉपर, बहुत सुंदर सा बनाना है। उसको देख दिए इसके ऊपर क्या करना है। तो फिलहाल आपको मैं केमिकल फर्टिलाइजर आपको समझ में आ गया, इसको आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ये है ये सारे अच्छे से कि धीरे धीरे ये डिजॉल्व होने स्टार्ट हो गए, देख रहे हैं ये धीरे धीरे डिजॉल्व होने स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे वाइटीज हो रहा है, धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगे। तो उस डिजॉल्व होने के बाद अब नेक्स्ट मॉर्निंग में देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, देखिए धीरे 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 धीरे। देखिए डिजॉल्व होने स्टार्ट हो गए, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और इवनिंग में अपने प्लांट्स को दे दीजिए, कभी भी फर्टिलाइजर मॉर्निंग में मत दिया कीजिए, इवनिंग में दिया कीजिए। इवनिंग में देने के बहुत सारे फायदे हैं, इवनिंग में सन नहीं रहेगा, प्लांट आराम से एब्जॉर्व करेगा, बट बहुत सारे फायदे। तो आप अपने फर्टिलाइजर को इवनिंग में, इवन दो वाटरिंग भी आप इवनिंग में ही किया कीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।